हमेशा से हरियाणा में मुद्दा बना रहा है, लेकिन कभी भी इस तबके की परेशानियों की ओर गौर नहीं किया गया। बात की जाए यमुनानगर के किसानों की, तो फिर यहाँ पर किसानों ने लगातार सरकार से मुआवजे की मांगों को उठाया है। नगला जागीर में किसानों की करीब 11 एकड़ खड़ी फसल जलकर राख हो गई। हाई टेंशन तार की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। किसान नवाब ने बताया कि उनकी फसल पककर तैयार हो चुकी थी, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी फसल ही जल गई, जिससे कि उन्हें करीब 4 लाख का नुकसान हुआ। ये 10-11 किलो में आग लगी थी और गांव नगला जगीर में सतपाल सिंह और लोकेश कुमार और नवाब सिंह और करनैल सिंह के जो 8-10 एकड़ में जिस टाइम 6:30 बजे बिजली छोड़ दी गई पावर हाउस तलाक और से, तो तूफान उठाया था उसमें से चिंगारी उड़का और वो गिर दी। जबकि इससे पहले भी 31 अक्टूबर ने गन्ने की 1.5 एकड़ फसल हमारी जलकर राख हुई थी और 10-11 किले जले। इसकी भरपाई करने के लिए हम आज आप मतलब मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बात बताना चाह रही कि हमारा इस चीज़ का हल कराया जाए। उसके ऊपर 1966-64 से वो लैंड थी, ये भी 2.5-3 साल से वो सुचल गया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि इससे पहले भी हम विभाग को ये चेता चुके हैं कि यहाँ से हाई टेंशन तार को बदला जाए, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक हुई नहीं है। यमुनानगर से परवेज की रिपोर्ट।